चेंज कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री देख करके मास्टर हो गए सर। जिस कोने में होगा उस कोने से हम निकलवाएंगे। भगवान क्या सरकार छोड़ दीजिए मोदी या लालू या नीतीश, सर भगवान भी नहीं बचा पाए पप्पू यादव से ऐसे लोग। उसे मरना होगा या उसे फांसी जानी। आम आदमी की बच्ची पप्पू यादव की बेटी, कितना बड़ा भी रसूखदार बाप का बेटा क्यों नहीं होगा, उसको मरना होगा। हम नहीं बख्शेंगे। एक भी मंत्री संतरी विधायक जो शेल्टर हाउस में इन्वॉल्व होगा उसे आज हो कल हो उसको फांसी पे चढ़ा के रखे, उसको कोई नहीं बचा पाए। लेकिन पप्पू जी उसका एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ ना सर। आप पप्पू यादव आए हैं ना, उसका बाप करेगा एफआईआर। इसकी औकात है एफआईआर नहीं करने की? क्यों नहीं किया एफआईआर? जस्ट टू आई लुक आफ्टर। उसके फादर कहाँ कहाँ गए मुझे मिलने तो दीजिए। उसके बाद एफआईआर नहीं होगा तो हम पैदल आके क्या करेंगे? या तो हम मरेंगे या तो एफआईआर होगा। दो ही बात, या तो पप्पू यादव रहेगा या तो एफआईआर। बहुत क्लियर सर। आप वहां तो चलिए, हाँ छोड़ सर। मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग से लेकर के ये सब चोर आयोग है, ये सब पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड आयोग है, पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बनाया हुआ आयोग है। ये आयोग निष्पक्ष नहीं है और इस आयोग से हम बेटियों की न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत बहुत पॉलिटिकल इवेंट्स हो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और ले लीजिए, मुजफ्फरपुर हुआ घाट, क्या बिहार में जितने एवरी वन आई लगभग विधायक मंत्री पदाधिकारी रसूखदार के बेटे इन्वॉल्व है और ऐसो आराम की जिंदगी। चुकी शेल्टर हाउस की बेटी बहन का न कोई माँ है न बाप न दोस्त न भाई, पदाधिकारी इसमें इन्वॉल्व है और नेता तक परोसे जाते हैं। इसमें सीबीआई हाई कोर्ट के जज के मोनिटरिंग में इसकी जांच की मांग कर समाज कल्याण विभाग अधिकारी तो कर रहे, कुछ हुआ ही नहीं है सर। ये चोर चोर मौसेरे भाई, सीबीआई इंक्वायरी कर दो ना, हाईकोर्ट में जा रहा हूँ। समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी से बड़ा भ्रष्ट, इससे बड़ा चोर, इससे बड़ा चरित्रहीन कोई है क्या?